अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी की मौत, पाकिस्तान ने तोड़ी चूड़ियां। इतिहास को जानना सिर्फ इसलिए नहीं जरूरी होता है कि वो एक विषय है, देश का मिजाज, देश के हालात को समझने के लिए भी इतिहास पर नजर डालना जरूरी होता है, खासकर नई पीढ़ी के लिए कि कैसे कुछ लोगों ने देश के खिलाफ बोलने वालों को विशेषाधिकार दिए थे। पाकिस्तान के पीएम मिस्टर इमरान खान किसी के निधन से इतना दुखी हो गए हैं कि अपने देश का झंडा आधा झुकवाया है और एक दिन का अवकाश भी दिया है, और वो एक अलगाववादी था और दुर्भाग्य से भारतीय था। अपने भारत विरोधी बयानों के जरिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने वाले पाकिस्तानी एजेंट सैयद अली शाह गिलानी की मौत हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और कश्मीरी आतंकियों को पालने वाली सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने गिलानी की मौत पर दुख जताया है। इमरान खान ने भारत के खिलाफ जहरीला बयान दिया है और गिलानी को पाकिस्तानी बताते हुए पाकिस्तान के झंडे को आधा झुकाने का ऐलान किया है। यही नहीं, इमरान ने एक दिन के राष्ट्र शोक का भी ऐलान किया है। भारत विरोधी बयानों के लिए मशहूर रहे गिलानी को पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा था। दरअसल इमरान खान और बाजवा की जोड़ी के इन घड़ियाली आंसुओं के बीच हकीकत ये है कि जिंदगी भर पाकिस्तान की गाने वाले गिलानी को पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के बाद उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अब गिलानी के मरने के बाद फिर दिखावा कर रहे हैं। सैयद अली शाह गिलानी ने साल 2014 के चुनावों का बॉयकॉट किया था। उन्होंने अपने संदेश में कश्मीर की जनता को कहा था कि चुनाव में भाग ना लें, जिसके बाद आतंकियों ने ऐसे कई नागरिकों की हत्या की जो चुनावों में भाग ले रहे थे। हालांकि कश्मीर की जनता ने चुनाव की जगह गिलानी का बॉयकॉट किया, क्योंकि इसके बाद राज्य में 65% मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर में 25 सालों बाद ऐसा हुआ था। गिलानी ने हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगला। इतना ही नहीं, वो खुद को मजबूरी में भारतीय बताती थी। ये अलग बात है कि मरने के बाद उनको भारत की मिट्टी में ही दफनाया गया। साल 2015 में गिलानी ने कहा था कि मैं मजबूरी में भारतीय हूँ, जन्म से नहीं। वहीं सैयद अली शाह गिलानी को एक समय खुद को भारतीय बताना भी पड़ा, जब विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई थी। इसी साल उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की एक सलाह को नकार दिया और उन्हें नसीहत दे डाली। हुआ ये था कि सलमान खान ने घाटी में फिर से सिनेमा हॉल खोलने की बात कही थी, जिसको लेकर सलमान खान को अलगाववादियों की आलोचना का सामना करना पड़ा। गिलानी जैसों की वजह से कश्मीर को आतंक की आग में झुलसना पड़ा है, और पीएम मोदी के पहले तक न जाने किस मजबूरी में उन्हें पाला जाता रहा, सांप को दूध पिलाया जाता रहा। मोदी सरकार ने न सिर्फ धारा 370 और 35A का खात्मा किया था, बल्कि गिलानी और उनके जैसे देश विरोधी अलगाववादियों पर नकेल कसी, और इसका सुखद परिणाम ये है कि आज कश्मीर आतंक से निकलता हुआ नजर आ रहा है। मोदी सरकार ने न सिर्फ धारा 370 और 35A का खात्मा किया, बल्कि गिलानी और उनके जैसे देश विरोधी अलगाववादियों पर नकेल कसी, और इसका सुखद परिणाम ये है कि आज कश्मीर आतंक से निकलता हुआ नजर आ रहा है।